ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 39। यद्दग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रमादोस्तोत्थं तत्ताम समुदाहृतं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो अभी तक हम सुखों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सुन चुके हैं सतोगुणी सुख क्या है और रजोगुणी सुख क्या है। आज हम सुन रहे हैं तमोगुणी सुख क्या है। हर जीवात्मा को, हमने पहले दिन चर्चा किया था, हर जीवात्मा को सुख पाने का भगवान ने कुछ चीज़ों में सुख दिया है। जैसे भगवान ने ही फलों में रस दिया है, राइट। भगवान ने ही नींद जब आती है तो अच्छा लगता है, लगता ही है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें टेस्ट लगता है। दिस ये जो है, ये भगवान की क्रिएशन है, भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि नहीं। लेकिन सोचने की बात, अगर हम डीपली कोई चीज़ों को सोचेगा कि ऐसा क्यों बनाया, आप देखेंगे कि जीवात्मा का जो बॉडी बनी है, हमारी जो बॉडी हमें मिली है, ये बॉडी इस प्रकार से बनी है कि जैसे कि मशीन है, मशीन को अगर कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो डेड हो जाएगी। उसकी मेंटेनेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। जब हम सोते हैं तो बॉडी अपना मेंटेनेंस कर रही होती है, उस वक्त नेसेसरी जो भी पुर्जे वर्जे उसके चले होते हैं दिन भर में, उसके टॉक्सिन रिलीज होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है बॉडी में। मेंटेनेंस इज़ वेरी मच एक्टिव व्हेन वी आर स्लीपिंग, इट इज़ नॉट वी आर डेड। बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है, भगवान का मेंटेनेंस सिस्टम है। जीवात्मा इसको करने से भूल ना जाए, इसलिए भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है कि उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कितना देखिए भगवान का सिस्टम, देखिए ज़रा। हम लोग कार देते हैं अपनी कार की, उसको गैराज में छोड़ के आ जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ स्लीपिंग, कार इज स्लीपिंग देयर इन द गैराज। अब हम ये इस कार को स्लीप होने नहीं देंगे, क्योंकि हम बड़े महत्वाकांक्षी हैं, बड़े रजोगुणी हैं, तो हम भागते रह जाएंगे, भागते रह जाएंगे, भागते रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने बनाया, इसलिए बेटा सो जा तू। जहाँ जीव सो गया उसकी मेंटेनेंस चालू होगी। तो भगवान ने जो सुख दिया नींद के साथ, उसका एक पर्पज़ था बॉडी की मेंटेनेंस। उसी तरह से खाने की चीज़ों में यदि स्वाद ना हो तो आदमी इतना रजोगुणी है कि वो खाए ना, इसलिए तो आजकल टेबल में ही खाता है उसको टाइम, खाने का टाइम नहीं है। क्योंकि लेकिन खाना शरीर के लिए कितना आवश्यक है, जानते ही हैं आदमी। कई लोग ऐसे होते हैं पेट्रोल भराते नहीं, उनके जीवन में टाइम नहीं है पेट्रोल भराने का, चलाओ चलाओ चलाओ, अचानक से गाड़ी कहीं बीच में बंद जाती है। ऐसी स्थिति मनुष्य के साथ ना आ जाए तो उसको भूख लगती है और उसको स्वाद आता है। इससे पहले कि वो भूखा हो, दिन में 50 बार खा लेता है, भूख के तो मरता ही नहीं कोई, क्योंकि टेस्ट इतना अट्रैक्ट करता है। खाना नहीं खा रहा है तो बिस्किट खा रहा है, कुछ कुछ बीच में कुछ खाया जा रहा है, हाँ कुछ चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, चाय पी रहा है, स्वाद के कारण। तो भगवान ने उसमें स्वाद दिया है, उसके पीछे भगवान का गहरा रहस्य है कि वो खुद से तो कुछ करेगा ही नहीं, तो भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि अपने आप उसको ये करना पड़ेगा, है कि नहीं। जीवात्माएं जो है, प्रजनन कैसे होगा, प्रजनन कैसे होगा, क्योंकि जीवन संसार में पर्पज़ है कि कई सारी जीवात्माएं इस संसार में आएंगी, जन्म होगा, जन्म का पर्पज़ है ताकि वो जीवन को सार्थक बनाए, भगवान के धाम में चला जाए। लेकिन उसके लिए कोई तो बच्चा कहीं पैदा होगा। अब बच्चे लोग पैदा ना करें तो ऐसा सिस्टम बनाया कि देयर इज एन अट्रैक्शन अपोजिट, मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन पूरी सृष्टि में अपने आप ही प्रजनन क्रिया हो रही है। इस प्रकार से भगवान ने हर चीज़ में एक टेस्ट दिया ताकि जो भगवान की इंटेंशन से वो पूरी होती जाए। तो जीवात्मा में जो योनियां मनुष्य से अलावा हैं 80 लाख, वो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप चलती हैं, वो डिज़ाइंड है, प्रोग्राम्ड है। लेकिन मनुष्य थोड़ा दिमाग लगाता है, मनुष्य सोचता है इसमें स्वाद है, लेकिन इस स्वाद के पीछे की जो जिम्मेदारी है उसको नहीं लेता है, प्रकृति के नियम है उसको तोड़ देता है। ये मनुष्य का नेचर है। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि स्वाद लेने का अधिकार मनुष्य को है, प्रोवाइडेड वो प्रकृति के अनुसार चले। तो यहाँ हमने 3 सुखों की बात करी। ये 3 तरह के सुख इसीलिए बताए गए यहाँ पर कि एक व्यक्ति ऐसा सुख ले रहा है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार है, भगवान के अनुसार है। एक व्यक्ति ऐसा सुख ले रहा है जो रजोगुणी है, खुद को प्रसन्न करने के लिए है। पहले में व्यक्ति सुख लेता है लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करता है और उसका प्रसाद ग्रहण करता है, चाहे वो कृपा के रूप में है, चाहे वास्तविक खाने के प्रसाद के रूप में है, चाहे व्हाटएवर, ही ऑफर्स एवरीथिंग टू कृष्णा। दूसरे में वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए कुछ करता है। और तीसरा ये जो बता रहे हैं
कि ये भी सुख के पीछे पागल है, ये भी सुख चाहता है, लेकिन इसने क्या किया, निद्रा का इसको सुख मिला, लेकिन निद्रा के सुख के पर्पस को भूल गया कि निद्रा मेंटेनेंस के लिए थी। मेंटेनेंस में ही अगर आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी माना, तो क्या फ़ायदा है गाड़ी का, बुरे टाइम गैराज में खड़ी है जी, आज पेंट हो रहा है जी, आज साइड मिरर लग रहा है जी, आज चमकीली ये लग रही है जी, आज वो लग रहा है, बेचारा रोज़ बस में जा रहा है किसी और चीज़ में, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। उसी तरह से हमारी ये गाड़ी, ये जो यंत्र है, ये शरीर है, यदि सोता ही रह गया तो इस सुख का पर्पस हमने डिफीट कर दिया। बल्कि आपको सच बताएं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें आराम मिला, ज़्यादा मिला। आप देख लीजिएगा, जिस दिन आप ज़्यादा सोते हैं उस दिन ज़्यादा आलसी बॉडी हो जाती है फ्रेश फील करने के बजाय, जबकि एक अप्रोप्रिएट टाइम हम सोते हैं ना, तो कम ना ज़्यादा, तो बॉडी को फ्रेशनेस लगती है। अगर हम कम सोते हैं तो भी अजीब थकान सी लगती है, ज़्यादा सोने में आलस से लगता है, दिस इज द थिंग। इसलिए भगवान कहते हैं कि युक्त चेष्टसु कर्मसु, चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। इसमें भगवान बोलते हैं सोना खाना पीना ये सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये जनाब ऐसे हैं जो तमोगुणी सुख लेते हैं, ये कोई भी चीज़ रेगुलेटेड नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही वर्ड आता है रेगुलेटेड, तो ये दूर भागते हैं उससे। कई लोग ऐसे हैं, जैसे ही नियमों का बात करोगे आप दूर भागेंगे आपसे, क्योंकि वो बिना किसी नियम के जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो आलस्य के मारे हैं, निद्रा के मारे हैं। कुंभकर्ण के पास इतनी शक्तियाँ थी, हाँ प्रभु मुझे निद्रा आती प्यारी, गलती से उसके मुँह से निकल गया जो भी हुआ, लेकिन देखिए उसका सारा का सारा जीवन सोने में निकल गया, और भाई को ज़रूरत थी उसको उठाने में मुसीबत हो गई। ऐसा जो सोवत है वो खोवत है, ऐसे हम बोलते थे, ऐसे हम सुनते हैं। तो वास्तव में नींद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ये अधिक सोने पर ये आलस्य तमोगुण पैदा करती है, जो कि अज्ञानता है। वास्तव में वास्तविक सुख नहीं है, ये सुख का आभास देती है। ऐसा हमें लगता है कि हम सुखी हैं, आज जम कर सोए मज़ा आ गया, हाँ, जबकि वास्तविक मज़ा नहीं आया, क्योंकि सोने में आनंद नहीं है, आनंद कुछ करने में है जीवन में। आप देख लीजिए, आप निरंतर दो दिन तीन दिन चार दिन सोते रहिए, जो आलसी है, जो तमोगुणी है, वो तो सोता ही रहेगा, क्योंकि वो सुख का भ्रम करता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। तो ये वाला जो सुख है, जो तामसी सुख है, इसका लक्षण ही है ये जो बता रहे हैं कि ये प्रारंभ से लेके अंत तक मोह है, मोह ही है, ये एक्चुअल सुख नहीं है, ये प्रारंभ से लेके अंत, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सुखी हूँ। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि शिला पुरवा बताते थे कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान में कैक्टस खा जाता है। अब जब कैक्टस में क्या होता है, कांटे होते हैं, जब वो खाता है तो उसके जीभ में चुभते हैं और खून निकलता है, तो ऐसा बताते हैं कि वो बड़ा चाव से उसको चबाता है, क्योंकि साथ में नमकीन केचप मिक्स हो जाती है, उसका ही ब्लड वो पी रहा होता है, साथ में कैक्टस खा रहा होता है। तो नेचर इतना तमोगुणी जीव है कि उसको लगता है कि वो सुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो अपना ही खून खा रहा है। और ऐसी जीवात्मा कई सारे ऐसे सुख भोग रही है जो कि उसके अंदर पाप कर्म पैदा कर रही है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है, बहुत भयंकर नुकसान कर रहा है उन पापों को करके, लेकिन उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि वो बहुत सुखी है। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, माना देखा जाए तो आहार की दृष्टि से भी नॉनवेज जब आप अंदर से निकालते हैं, किसी की अंतड़ियाँ, किसी का मांस, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है खाने के लिए, गंदी है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव रखने पड़ते हैं, कई बार कई आंतों में मल भी रह जाता है, कई गंदी की चीज़ें रह जाती हैं, आपको मालूम नहीं है। अगर कीमा बना दिया, टुकड़े बना दिए, वो तो पता नहीं कितनी तरह पक पका के मसाला उसमें क्या क्या घुसा हुआ है, मल है या नहीं है, यू नेवर नो कि अंदर से क्या क्या है। आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर कितनी गंदगी है, खासतौर पे इंसान की बॉडी मूली की तरह थोड़ी है, खीरे की तरह थोड़ी है, कि अंदर से काटो तो क्या मज़ा आता है देखने में उसको, क्या साफ चीज़ निकलती है। हाँ, इंसान की बॉडी के अंदर बहुत बहुत कुछ है। तो इसलिए अगर अदरवाइज भी देखा जाए तो बहुत साफ सुथरी चीज़ नहीं है, मुँह है, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, एक्चुअली में मसाले का टेस्ट खा रहे हैं। जैसे कि आप मूली और गाजर को, ऐसी चीज़ों को कच्चा भी खाएंगे तो एक टेस्ट है, हाँ। अब लेकिन मांस में बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं ताकि उसको टेस्ट बनाए, जैसे च्युइंगम है, मांस इज़ लाइक अ च्युइंगम, हाँ, च्युइंगम में टेस्ट नहीं है, उसके अंदर टेस्ट डाला जाता है, वैसे मांस के अंदर च्युइंगम कितने हैं उसके अंदर टेस्ट डाल दिया जाता है। तो हमें लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं, एक तो प्रारंभ में ही दुख है वास्तव में, जिसको हम सोच रहे हैं कि सुख है, और उसके बाद में भयंकर दुख है, क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म हमारे सर पे चढ़ जाते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों को लांघ दिया, ये आहार हमारे लिए नहीं था, हाँ, लेकिन हमने खाया, हमने ऐसा किया जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे। हम वो सुख जो मिला है खाने का सुख, वो अगर हम
प्रेस्क्राइब्ड चीज़ों को खाएं, सही ढंग से खाएं, यानी कि भगवान को ऑफर भी करें, तो उसका सुख हम ले सकते हैं। लेकिन हमने गलत किया, हमने नियम को तोड़ा, है ना। तो प्रारंभ में भी ये कहते हैं कि ये प्रारंभ से लेके अंत तक मोह ही मोह है और कुछ नहीं, इल्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, जैसे हमने कहानी सुनाई थी आपको कि एक गधा है, वो गधी का, वो गधी नहीं गधा था, वो जो कहीं पर काम करता था, वो ही वॉज जस्ट वेटिंग कि जो धोबी है अपनी बेटी की शादी मेरे से एक दिन कर देगा। ऐसा उसने एक दिन कहते हुए सुन लिया था अपने मालिक को कि यदि ठीक से काम नहीं करेगी तो इस गधे से शादी कर दूंगा। एंड इस चक्कर में वो अपना वजन ढोता रहता है, हम होंगे, मैं गधा, गधा कह रहा है, मैं भी दूल्हा बनूंगा, हाँ एक दिन मैं भी घोड़ी चलूंगा, ये मेरी बीवी बनेगी, ये सपना देखते देखते वो गधा बेचारा रोज़ कपड़े धोता है, रोज़ सामान धो रहा है, हाँ मैं इसका जवाई बनूंगा एक दिन, फिर बताऊंगा इसको मैं। तो इस प्रकार का ये क्या है, इल्यूजन है। शुरू में कष्ट में है क्योंकि वो वजन ढो रहा है। इस तरह से हम भी जीवन को इसी भ्रम में जीते हैं, खूब मेहनत करते हैं, आनंद आएगा एक दिन, बस 20 साल की, बेटा तू 20 साल तक पढ़ ले, 22 साल, 24 साल तक पढ़ ले, ये डिग्री कर ले, उसके बाद आनंद आएगा। फिर वो जॉब की टेंशन में रहता है, मतलब कितनी बार हमें चर्चा कर चुके हैं, वी ऑल नो दिस, वी आर ऑल इंटेलिजेंट, कि इसी सुख के चक्कर में हम अगले 2 साल में आएगा, अगले 2 साल में आएगा, अगले 3 साल में आएगा, शादी के बाद आएगा, वट एवर, कितनी चीज़ें हम वेट करते हैं। लेकिन जो भी भाई लोग इस दौर से निकल चुके हैं वो बता सकते हैं कि अभी भी वो ढूंढ ही रहे हैं, 40 साल की उम्र में भी कोई ढूंढ रहा है। फिर देख, एक स्लोगन बना दिया, लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। हाँ, तो लोगों को ये लूजना क्या, 40 साल तो स्ट्रगल करना ही है, 40 के बाद सुख मिलेगा। जो 40 के बाद वाले हैं उन भाइयों से पूछो ज़रा। हाँ, इस प्रकार से हम भी उस गधे की तरह कई बार जीवन जीते रहते हैं इसी इल्यूजन में। तो ये प्रारंभ में भी इल्यूजन है, अंत में भी इल्यूजन, क्योंकि ज्ञान से टोटली रहित है। तमोगुण का मतलब ज्ञान से रहित, तमोगुणी सुख, इसका एग्जाम्पल हमने दिया निद्रा, एक्सेसिव स्लीपिंग, स्लीपिंग में जो सुख है, हाँ हमने बताया, अगर उसको प्रेस्क्राइब्ड तरीके से लेंगे तो वो सही सुख है। लेकिन यदि स्लीपिंग हमने एक्सेसिव स्लीपिंग कर रहे हैं, उससे आलस्य पैदा हो रहा है, हाँ अल्टीमेटली ये तमोगुणी सुख है, ये सुख है ही नहीं वास्तव में। लेकिन इसलिए क्या, फिर क्यों बोल रहे हैं कि सुख है, क्योंकि तमोगुणी, तमोगुणी सुख का मतलब ही इल्यूजन है कि सुख है नहीं, हमें प्रतीत होता है सुख है। जैसे कि संसार में हम सोचते हैं कि हम सुखी बन सकते हैं, जबकि भगवान ने इसका नामकरण संस्कार किया है कि दुखालयम अशाश्वतम, दिस इज द नामकरण ऑफ दिस वर्ल्ड, कि ये दुखों का घर है। एक और इसमें लक्षण बता रहे हैं कि ये जो सुख है ये आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, ब्लाइंड, आई डोंट वॉन्ट टू नो। क्या आप बता रहे हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे सुनना है, ना मुझे कोई सुनने से मतलब है, ना मैं सुनूंगा, आप जो भी बता रहे हो आप दीवारों से भाग, मैं सुनूंगा ही नहीं आप क्या कह रहे हो। कई लोग ऐसे मिलते हैं, आप जितना भी उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करो वो दूर भागते हैं आपसे, हाँ, क्योंकि आप उन्हें कुछ करने को बोलोगे, आप उन्हें उठने के बोलोगे, आप उन्हें माला जप करने को बोलोगे, आप कुछ नियम बताओगे, ये करो ये ना करो, ये सबसे ही तो दूर भागना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। कितने लोग बिल्कुल क्लियरली आपको मना कर देंगे, हम नहीं करेंगे, दे आर बिजी इन डूइंग व्हाट, दे आर बिजी इन देयर बेड्स, वो अपने आलस्य में। कोई अपने काम बताओगे तो, हमने पहले भी चर्चा करी है कि तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण है, दीर्घ सूत्री है, कोई काम बताओगे तो करना नहीं चाहेगा, वो टाल देगा, किसी और को हैंड ओवर कर देगा, डेलीगेट कर देगा, इतना डेलीगेट कर देगा कि कभी पूछेगा भी नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको मतलब ही क्या है। तो ये उसके लक्षण है और उसको ऐसा करके लगता है वो सक्सेसफुल है, देखो जी मैंने सारे काम इसको दे दिए, अब मैं आराम से बैठूंगा, हाँ ये उसका सुख है। अब जो भागवत इत्यादि गीता पढ़ता है उसको समझ में आएगा कि भगवान के धाम में भी जीवात्मा ऐसे नहीं करती है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति चाहते हैं ना वो इसी सुख को चाहते हैं कि बस पड़े रहो। लेकिन जो भगवान को जानते हैं, श्रीमद् भागवत उन्होंने पढ़ी है, वो जानते हैं कि भगवान वैकुंठ लोक में और भगवान गोलोक धाम में हाइपर एक्टिविटी है, एक्टिविटी एक्टिविटी है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, योजनाएँ बना रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, कूद रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं, वहाँ आलसी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। इसलिए पिछला प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन इज़ नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। तो इसलिए आनंद वास्तविकता में कुछ करने में है। अब करने में भी हम कुछ ज़्यादा कर जाते हैं तो उसको हम राजसी कह देते हैं, लेकिन आनंद वास्तव में करने में, आनंद खेलने में है, आनंद डंब होके खेल के मैदान को देखने में नहीं है। सोचिए थोड़ा सा डिफरेंस है, हम टीवी में किसी मैच को देख रहे हैं, एंड इट्स एन इल्यूजन, ये मेरी टीम जीत गई, ये उसकी टीम जीत गई, अरे काहे की टीम, किसकी टीम, हाँ हम आज इस देश में पैदा हुए हैं तो इस देश को जीतना चाहते हैं, कल को हम मर के दोबारा दूसरे कंट्री में पैदा हुए तो हम चाहेंगे वो कंट्री जीत जाए, इट्स एन ऑल इन इल्यूजन। हाँ कुछ लोग खेल रहे हैं 11 तो नहीं 22 व्हाटएवर, कोई लोग उसमें अर्निंग कर रहे हैं, कोई ऐड कमाएगा, कोई हीरो बन जाएगा, हाँ किसी को फीस मिलेगी,
और हम टीवी में बैठ के देख रहे हैं। अब सोचिए जरा, हाँ ये है आलस, आलसी आलसी जीवन जो हमारा हो चुका है। इससे बेहतर है एक्टिविटी, जो खेल रहा है वो खेलने को एंजॉय कर रहा है, सेहत बना रहा है, पैसे कमा रहा है। अब इसी में जो इसी काम में लगा रह गया, जीवन के उच्च मूल्य को नहीं जाना, तो वो राजसी हो गया। जो इसके ऊपर जीवन के मूल्य को भी समझा, वो उतना ही खेला जितना उसके लिए जीवन के लिए जरूरी है, जीवन व्यापन खेला या काम किया, बाकी उसने आत्म साक्षात्कार किया, वो सतोगुणी हो गया। समझ रहे हैं डिफरेंस? और एक जो है टीवी के आगे बैठा है और टीवी के सीरियल देख रहा है, रोते हंसते बस वहीं पर। एक इडियट बॉक्स हमारे आगे लगा है, चाहे मोबाइल बोल लीजिए चाहे टीवी बोल लीजिए, जो कि कुछ इमोशन पैदा करता है, कुछ आर्टिफिशियल करेक्टर उसके अंदर है, हाँ, जो रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कोई मूवी चल रही है, एंड वी आर गेटिंग डिलाइटेड और बींग सॉरोफुल जस्ट बाई लुकिंग एट इट। दिस इज कॉल्ड इल्यूजरी टेस्ट, इल्यूजरी सुख। तो इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, इसके विपरीत हमें एक्टिव होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज ब्लिसफुल, इज फुल ऑफ वेराइटी। उसके लिए हमें कुछ करना होगा, उसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, इसलिए हमें उठना पड़ेगा। ये सोए रहने से, पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय, ओम नमो।